कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया। बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। रमेश पुत्र भी स्टूड अप एंड टोल्ड दानिश अली ये भड़वा ये कटवा, नो एक्शन हैज बीन टेकन। उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा। दोस्तों, सांसद दानिश अली को आज बसपा ने पार्टी से निकाल दिया। सांसद ने पार्टी के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और बसपा के टिकट दिए जाने पर पार्टी का धन्यवाद किया। अमरोहा से सांसद दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती बहन जी की पार्टी से आज बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बसपा ने एक बयान में कहा है कि अपनी पार्टी की नीतियां, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जो बयान देते हैं उसके खिलाफ कई बार चेतावनी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये लगातार करते रहे, लिहाजा पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। लेकिन उधर दानिश अली का यह बयान है कि उन्होंने कभी भी कोई भी ऐसे बयान नहीं दिया जो पार्टी के खिलाफ हो, पार्टी की नीतियों के खिलाफ हो। दानिश अली ने कहा कि मैंने पूरी लगन से बसपा को मजबूत करने के लिए काम किया है और कभी भी किसी तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा हूं, यानी कि पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। अमरोहा की जनता इस बात की गवाह है। लेकिन दानिश अली ने यह भी बताया कि मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों हुई है और मैंने क्या गुनाह किया है, क्या गलती मैंने की है। और आगे भी करता रहूंगा। अगर ऐसा करना अपराध है तो मैंने अपराध किया है और मैं इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हूं। 21 सितंबर को चंद्रयान की सफलता के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत की उपलब्धियां हैं उसके ऊपर संसद में बहस हो रही थी। सांसद रमेश विदुड़ी ने सांसद दानिश अली को बोलने से रोक दिया और उन्हें अभद्र भाषा इस्तेमाल की, जैसे कटुआ, मुल्ले, बाहर देख लूंगा। कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट दे करके लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है। इस तरह की बहुत सारी बातें सांसद विदोड़ ने की, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दानिश अली लगातार इंसाफ की मांग करते रहे। अभी हाल ही में महुआ मोहोत्रा को बाहर निकाला गया। कल वो उसके सामने खड़े थे और एक तख्ती उनके गले में थी, यानी कि इंसाफ की मांग कर रहे थे, पर सांसद विधूड़ी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या दबाव था, क्या राजनीति थी, बहरहाल बहन जी ने सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस संसद की घटना के बाद कई विपक्षी नेता दानिश अली के टच में थे, जिनसे वो बात करते थे, और उन्होंने विधानसभा स्पीकर को एक पत्र दिया जिसमें अधीर रंजन चौधरी, सुप्रिया सुले, कनिमोई और कई विपक्ष के सांसद सब मिलकर सदन के अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास गए और उन्होंने पत्र लिखकर विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब से पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई क्योंकि वो लगातार गौतम भाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि संजय सिंह बड़े मुखर होके बोल रहे थे और अपने हर बयान में कहीं ना कहीं अडानी जी का जिक्र ले आते थे और आज वो जेल में हैं। उसके बाद महुआ मोहोत्रा बहुत मुखर होके बोलती थी, तमाम मुद्दे उठाती रहती थी, मीडिया में रोज चर्चा में रहती थी। आज उनकी सदस्यता भी जा चुकी है और अब दानिश अली को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।